हाय, दिस इज एन एच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। अब हम नरेशन को शुरू करेंगे और नरेशन के वैसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स बिहार बोर्ड के 10+2 में आए हुए हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इवन जिन्हें नरेशन अगर सीखना है तो यहाँ पर नरेशन को जो है हम एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नरेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमें आनी चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ है वो हमें पर्संस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई और वी है, इनके डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट अगर फॉर्म्स की हम बात करें तो आई मी माई है, वी आवर आवर्स है, वैसे ही सेकेंड पर्सन यू है, यू के डिफरेंट फॉर्म्स एंड थर्ड पर्सन। इसके अलावा सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए और टेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो सेंटेंस की जो है सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पहले से लिख दिया ताकि लिखने में समय ज़्यादा न लगे। तो सेंटेंस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। वैसे सेंटेंस के बारे में मैंने पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएगी, तो आप वहाँ से सेंटेंस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सेंटेंस को। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंस बनाता है, और सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, कहीं कहीं पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है, कहीं डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है और डिफरेंट वर्ड से शुरू होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर है। उस हिसाब से पांच तरह के हमारे पास सेंटेंसेज हैं, जिसमें पहला सेंटेंसेज जो है असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें दो तरह के सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा अफर्मेटिव, जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप होगा और इसकी जो मीनिंग होगी वो अफर्मेशन की मीनिंग होगी, यानी स्वीकृति की, स्वीकार करने की मीनिंग होगी, हाँ में मीनिंग होगी। नेगेटिव जो है ही इज़ नॉट ए स्टूडेंट, नेगेटिव नॉट से या नेगेटिव वर्ड से हम जैसे नेवर से बनाते हैं, हार्डली से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव और क्वेश्चंस जो होते हैं दो तरह के, यस नो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनके बाद सब्जेक्ट होता है, वो डब्ल्यू यस नो क्वेश्चंस कहे जाते हैं, जैसे इज ही अ स्टूडेंट और ये क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में होता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट व्हाई वेयर हाउ व्हेन, इस तरह के शब्द से शुरू होते हैं। इंपरेटिव और कमांड वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एडवाइस हो, सजेशन हो, ऑर्डर हो, प्रोविजन हो, रिक्वेस्ट हो, इसके अलावा कमांड भी हो। तो एडवाइस में टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ये एक एडवाइस है। रिक्वेस्ट प्लीज कम इन, ऑर्डर गो देयर, प्रोविजन डोंट प्ले इन द सन। और ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे हैं जिसमें कर्स हो, विश हो, प्रेयर हो, विश में मे गॉड ब्लेस यू, कर्स में मे अ डॉग बाइट हिम। एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेशन जो होते हैं वो उसमें हमें सडन फीलिंग्स होती है, या तो आश्चर्य हो सकता है, जॉय हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, पेन, जैसे अलास आई एम रूंड, वॉट अ फ्ला, वॉट अ फ्लार, ये जो होते हैं ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेते हैं। तो इसमें जो दो तरह के जो सेंटेंसेज हैं, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये दोनों एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स से इसे हमें पहचानने में आसानी होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क्स लेते हैं, क्लियर। और जो इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस जो हैं ये फुल स्टॉप को कैरी करते हैं, तो इसे पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 10+2 में। इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स मैंने पहले ही बना लिया है ईयर वाइज, और इसको जो सॉल्व करेंगे हम सेंटेंस वाइज करेंगे। पहले असर्टिव सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे जितने भी सेंटेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और काफ़ी इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो असर्टिव से शुरू करते हैं। असर्टिव का दूसरा नाम जो है वो स्टेटमेंट भी है। असर्टिव का दूसरा नाम स्टेटमेंट भी है, तो असर्टिव नाम से ही मैं लेके चलता हूँ। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंस
के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। यहाँ पे लिविंग में ध्यान रखना है, एल आई वी आई एन जी, इसे लिविंग बोलेंगे, लेकिन जब ई ए होगा तो ये ली यानी लिविंग, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। आई जो होगा, आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जो होगा वो लॉन्ग वॉवल जिसको हम कहते हैं। ओके, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। तो माई फ्रेंड सेड, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग क्लोज कहते हैं, और इस पार्ट को जो है हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, राइट। रिपोर्टिंग क्लोज का या रिपोर्टिंग पार्ट जो है उसमें सब्जेक्ट हमारे पास ये है, वर्ब ये है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ होता। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये अदर वर्ड्स है। ओके, अब जब हम चेंज करते हैं टेंसेज में जो चेंज होते हैं, अगर रिपोर्टिंग क्लोज में जो वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो चेंजेस मेनली चेंजेस होते हैं, टेंस जो चेंज होंगे इसी कंडीशन में होते हैं। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो पास्ट टेंस में अगर हो तो सिंपल जो है ऐसे चेंज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। उसी तरह प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ओके, और पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ओके, और पास्ट परफेक्ट जो है ये नहीं चेंज होगा, किसी में नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में नो चेंजेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। ओके, ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, अगर ये रहे तो इसमें। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये टेंसेज हो और बाहर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो उस कंडीशन में ऐसे कॉरेस्पोंडेंस में ये चेंज होते हैं। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब क्या है। इसमें जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो इधर जरूर चेंजेज होंगे। ओके, अब दूसरा जो काम हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, तो माय फ्रेंड सेड सेड ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता सेड टू मी होता तो हम टोल्ड मी बनाते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम डैट लगाते हैं, और पर्सन चेंज ऑफ पर्सन में यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड का मतलब हुआ ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आई जो है माई फ्रेंड के हिसाब से ही में चेंज हो जाएगा। पास्ट टेंस से तो एम जो है वह वॉज में चेंज हो जाएगा,
लिविंग लिविंग रहेगा और टुडे जो है वो डैट डे में चेंज हो जाएगा। टुडे हो डैट डे, टुमारो हो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे हो द प्रीवियस डे, द डे बिफोर हो जाएगा, हियर का देयर होता है, दिस का डैट। लेकिन ये कहाँ चेंज होते हैं, किस कंडीशन में चेंज होते हैं, इसमें पूरी एक वीडियो फिर मैं बनाने वाला हूँ, जो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा वैसे स्पॉट्स जहाँ पे हम कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजिंग स्पॉट्स इन नरेशन करके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। माई फ्रेंड सेड डैट ही वॉज लिविंग टूडे, नाउ इट्स, ये ऐसे हमने बना दिया। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया था 2019 में, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, द टीचर सेड ही हैज डिस्टर्ब्ड द क्लास, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो चेंज होगा, ये सेंटेंस देखेंगे असर्टिव है या स्टेटमेंट हम लिखते हैं स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में कौन सा टेंस है, ही हैज है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो द टीचर सेड, ये होगा द टीचर सेड, यहां डैट हो जाएगा और ही जो है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो हम चेंज करते हैं वो चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होता थर्ड पर्सन, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ही रहेगा। हैज जो है हैड में चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड द क्लास हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, यू सेड, यू सेड माई, यू सेड माई फ्रेंड विल गिव मी अ बुक, यह है यू सेड माई फ्रेंड विल गिव मी अ बुक। ओके, तो यहां पे अगेन हम चेक करेंगे, ये पास्ट है, यहां पे हमारा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर में विल जो होता है वो वुड में चेंज हो जाता है, शैल जो है वुड में और कभी कभी शुड में भी चेंज होता है। शुड में वहां चेंज होता है जहां पे ऑर्डर हो, प्रॉमिस हो, वो उस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है या रिक्वेस्ट हो। तो यू सेड, यू सेड हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास हटा के डैट लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट माय फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड थर्ड पर्सन है, लेकिन माय जो है ये माय फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी पजेसिव ये एडजेक्टिव है फर्स्ट पर्सन का, तो माई जो है वो चेंज होगा, तो माई जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सेकेंड सब्जेक्ट से जो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है, तो माई यू से चेंज होगा, तो माई यहाँ पे योर हो जाएगा, योर फ्रेंड विल वुड हो जाएगा, गिव मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यू, ये मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, यू अ बुक। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है यू सेड, ये क्वेश्चन यू सेड ये 2015 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे, ही इज प्लेइंग टेनिस,
ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीटा। ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से ये शुरू हुआ और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जब हम इनडायरेक्ट में इसे बनाएंगे तो इसे हम चेंज कर देंगे। ओके, और ये कभी कभी बीच में भी हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है हम इसे इस हिसाब से चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस है, मोस्टली जो है पास्ट टेंस में ही रहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब मोस्टली, लेकिन फिर भी हमें अवेयर होना है। तो हम लिखेंगे रीता सेड डैट, ही चेंज नहीं होगा, इज चेंज होगा वॉज में, प्लेइंग टेनिस। बहुत ही आसान है ये। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द बॉय सेड मदर आई एम हंग्री। ये 2017 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहां पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मदर जो है ये वोकेटिव केस है, वोकेशन के तरह इस्तेमाल हुआ है, नेम को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब अगर वोकेशन हो, वोकेटिव हो, तो उस कंडीशन में वोकेशन को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द बॉय सेड टू मदर से बेहतर यहाँ हम टोल्ड लिख देते हैं। द बॉय टोल्ड मदर डैट, आई चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द बॉय है, द बॉय यानी ही है, तो यहाँ पे ही, एम चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो एम जो हो जाएगा वॉज होगा, हंगरी हंगरी होगा, या राइट। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज हम जान लें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो हम टेंसेज में चेंज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए या पूर्वर्ब हो जाए या वी का इस्तेमाल जो है यूनिवर्सलिटी की तरह हो, जैसे हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो यहाँ पे वी को हम नहीं चेंज करेंगे, लिव भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो ये प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। और एग्जाम में ये ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्रोवर्ब दे दिए जाएंगे जिसमें हम ये सोचेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो हम चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स डैट, इसको सेम हम उतार देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेवन नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है हमारा, द टीचर टॉट द अर्थ इज राउंड। ये क्वेश्चन जो है
2011 में आया है। तो यहाँ पे द टीचर टॉट द अर्थ इज राउंड, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। ओके तो सेम सेम हम द टीचर टॉट, यहाँ पे डैट लगाएंगे, द अर्थ इज राउंड हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यह प्रोवर्ब सॉरी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो या कोई हैबिट हो, तो वहां पे हम चेंज नहीं करते हैं, इवन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। और सेवेंथ नंबर, एट नंबर क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन है द टीचर सेड ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन, ईमानदारी से जो भी मेहनत किया जाए वो कभी बेकार नहीं जाता, तो ये भी प्रोवर्ब है, यहां भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम सेम हम यहाँ डैट लगाएंगे और सेम सेम इस रिपोर्टेड स्पीच को उतार देंगे। ओके नौ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, द सेंट सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा है। द सेंट सेड God rules and governs all things. तो यहां जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ये पास्ट टेंस होते हुए भी। तो यहां सेम सेम द सेंट सेड के बाद डैट लगाएंगे और सेम सेम यहां पे जो है इस चीज को हम लिख देंगे। ओके दस नंबर क्वेश्चंस, नौ ही क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे मिले हैं और मैंने जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को लिया है उसमें काफ़ी जो बनाया गया है काफ़ी गलत गलत बनाया गया है, इसलिए आप ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है इसमें असर्टिव में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगली वीडियो जो होगी वो इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव और बाकी ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, इन सबको मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सॉल्व करूं। और नरेशन के बाद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस और जितने भी वॉयस के क्वेश्चंस जैसे हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको फिर भी कुछ इंग्लिश में जानना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर जवाब देऊंगा। आज के लिए इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ ज़रूर कुछ सीखा है और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और मैं उन चीज़ों को बताऊँ जिसे शायद मैंने अभी छोड़ दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।